मैं समझ गया समझ गया। दो चीज आपको आसानी से समझाने का, आप कितना भी बता दे मैं ये दो चीज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हार्ट का अगर एफिशिएंसी कम है, ठीक है ना, तो तकलीफ क्या आती है, आप अपने टर्म्स में सोचिए कि आपको तकलीफ क्या आती है, तो आपको सोल्यूशन पता चलेगा। आप देखेंगे थोड़ा जोर लगाने पे सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर कम है तो तकलीफ क्या आ रही है आपको, पहले वो सोचो। आप शब्दों के जाल में ना फंसे, आप पहले सोचें कि आपको तकलीफ क्या आ रही है। तकलीफ क्या आ रही है, जोर लगाने में तकलीफ आ रही है। जोर कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी यहां पे है ध्यान से सुनिएगा। जोर कैसे लगाते हैं, बिना सांस रोके आप जोर नहीं लगा सकते। तो जो हार्ट की कंडीशन है, जोर लगाने में तकलीफ आ रही है, क्या चीज कम हो गई है आपकी, क्या चीज वीक हो गई है, सांस रोकने की क्षमता वीक हो गई है। कोई भी हार्ट डिजीज आपका ठीक हो जाएगा कुंभक से, कोई भी हार्ट डिजीज, पहली बात यहां से वो ठीक होना शुरू हो जाए। मगर आप ध्यान दीजिए, ये दवाई नहीं है कि ऐसे इंजेक्ट किया और ठीक हो गया, आपको अपने ऊपर धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अभी पीछे बोला, क्या बोला, 6 मिनट तो टाइम दीजिए अपने शरीर को, ठीक है। एक चीज ये तो हार्ट में ये आ गया, दूसरी बात कह रहे हैं गैस बन रही। गैस कब बनती है शरीर में, जब डाइजेशन वीक होता है तो गैस बनती है, फर्मेंट होता है कोई चीज। डाइजेशन फर्मेंटेशन दो प्रोसेस है, डाइजेशन में गैस नहीं बनती, वो प्रॉपरली इस्तेमाल हो जाएगा जो भी खाएंगे, फर्मेंट में सड़ेगा वो, कोई चीज सड़ेगा तो गैस बनेगी। इसके दो कारण, पहला कारण जैसे ही आप केमिकल डालते हैं आपका गट माइक्रोबायोटा, गट में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कीटाणु है, जो फ्रेंडली कीटाणु है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो मर जाते हैं, तो आपको उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या प्रोबायोटिक कुछ अभी भी लेंगे ना, प्रोबायोटिक कहते हैं उसको, हम पहले अचार बनाते थे, कंजी बनाते थे, वो प्रोबायोटिक होता है अगर सही तरीके से उसको बनाया जाए। काली गाजर की कंजी बनती है ठंड के टाइम पे, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। और भी आजकल और भी तरीके के मिल्क के प्रोबायोटिक काफी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, है ना, और दूसरे तरीके के प्रोबायोटिक भी अवेलेबल है, तो उन कीटाणुओं को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, अच्छा रहेगा नेचुरल तरीके से उसको रिप्लेस कर। दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड, तो लिवर फंक्शन आपका वीक हो चुका है। हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है लिवर के साथ में, इनफैक्ट कॉन्फिडेंस का भी कनेक्शन होता है लिवर के साथ में। लिवर आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है, दूसरी बुद्धि है, उसको मालूम है आपका भोजन क्या है, लिवर को मालूम होता है कि आपका भोजन क्या है, ठीक है ना। तो प्रकृति तो एनिमल्स जानवरों को कंट्रोल करती है, तो गाय को तो आप मांस नहीं खिला सकते क्योंकि गाय को पक्का मालूम है उसका भोजन क्या, शेर को घास नहीं खिला सकते, मगर इंसान के साथ में थोड़ा फ्रीडम है, कुछ भी खाता है वो, उसका सेंस जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए वही कम हो गया। तो दो चीज आप अगर इंप्रूव कर दें, कुंभक करना शुरू करें, हार्ट डिजीज ठीक होगा, लिवर को सपोर्ट मिलेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, प्रोबायोटिक थोड़ा लेंगे, या फिर बाकी अगर कुछ सपोर्ट लेना चाहें तो कुछ नेचुरल सपोर्ट लेंगे। 6 महीने का टाइम पीरियड दीजिए, आप देखेंगे आप आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा आपका, इजेक्शन फ्रैक्शन बड़ी आसानी से बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई बहुत टॉप चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको किताबों में लिख के आप बड़ा बना सकते हैं। बड़े बड़े ग्रीको रोमन वर्ड जो कि आपकी भाषा नहीं है, किसी दूसरी भाषा में बोलने बोले कि नहीं हमारी भाषा बोलने से इंटेलिजेंट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आप शब्दों के जाल में ना फंसे, अपने एक्सपीरियंस में देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल और लूंगा, आपको मालूम है जब आप मुस्कुराते हैं, थोड़ा मुस्कुराए, जरा नहीं मुस्कुरा रहे, थोड़ा मुस्कुराइए ना, देखो प्रॉब्लम तो रहेगी, थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराने में मालूम है आपको कितने केमिकल रिएक्शन हुए आपके शरीर में, 1 लाख से भी ज्यादा। सपोज कीजिए आपने कंडीशन डाल दी कि जब तक मुझे 1 लाख रिएक्शन नहीं पता चले तब तक मैं मुस्कुराऊंगा नहीं या मुस्कुराऊंगी नहीं, फिर आप जीवन में कभी नहीं मुस्कुरा पाएंगे। तो यू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर योर लाइफ, नॉट थ्रू केमिकल रिएक्शंस बट जस्ट एज इट इज।
अभी मुस्कुरा सकते हैं चाहे तो और चाहे तो नहीं, बिना जाने कि ये कैसे होता है। यू विल नेवर बी एबल टू नो हाउ दिस लाइफ फंक्शंस इन इट्स एंटायरिटी, पूर्ण तरीके से कभी नहीं जान सकते, लेकिन अभी जी सकते हैं। और कैसे जी सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इतना कंट्रोल है आपका। तो आप वहां पे एक्सपीरियंस पे आ जाइए, क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आ जाइए। अभी हमने क्या किया पिछले 100 सालों में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ में चले गए। हर जीवन को हम क्वांटिटी में नापने लग गए, नंबर्स में नापने लग गए। नंबर्स में अगर आप नापने लग जाएंगे तो कंट्रोल नहीं आएगा। पहली बात तो हमारा शरीर लीनियर नहीं काम करता। मैथमेटिक्स कौन सा डालते हैं, लीनियर मैथमेटिक्स, यूक्लिडियन मैथमेटिक्स डालते हैं इसको समझने के लिए। इवन फार्माकोलॉजी में डोजेज टाइट्रेशन हमेशा लीनियर होके समझा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड लीनियर होके समझा जाता है, लाइफ लीनियर है ही नहीं। तो आप गलत मैथमेटिक्स डालेंगे तो ट्रीटमेंट कहां से होगा। तो ये चीज एक्चुअली देखिए बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऐसे बोलने से, मगर समझिए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस पे जाइए, क्या गड़बड़ हो रहा है। क्वालिटेटिव टर्म्स में जाएंगे आपको मालूम है कैसे ठीक करना, आपको भी मालूम है कैसे ठीक करना है।